हेलो दोस्तों, जैसा कि फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और सबको नमस्कार। और जैसा कि हम GKGS कंपटीशन की बात करते हैं, हम फिर शुरू करते हैं। आपके बीच में कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया और नारियल के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है केरल। और नंबर दूसरा क्वेश्चन है, चोरा मस्जिद किस वर्ष एक संग्रहालय में परिवर्तित हुई? चोरा मस्जिद ये 1945 में संग्रहालय में परिवर्तित हुई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस बार कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? इस बार कितनी कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? जिसका आंसर है 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एर्नाकुलम बोट रेस किस नदी में की जाती है? तो जिसका आंसर है पंपा नदी। क्वेश्चन नंबर पांचवा, कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर छठा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? तो एफिल टावर की ऊंचाई, इसका आंसर है 324 मीटर है। आठवां क्वेश्चन है, अपना घर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो अपना घर योजना केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नवा है, इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर दसवा है, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास खारदुंगला है, खारदुंगला। क्वेश्चन नंबर 11 है, AIIB के अध्यक्ष कौन है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है जिन लिक्यून है। ये चीन की बैंक है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इनके सदस्य देश 103 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ADB के अध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असकावा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविस माल्पस। क्वेश्चन नंबर तेरह है, सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फ्यूल डे कब मनाया जाता है? विश्व फ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये विश्व ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रयान 2 के रावर का नाम क्या है? जिसका आंसर है प्रज्ञान, इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में नए उपराज्यपाल बने हुए, जिनका आंसर है मनोज सिन्हा। परीक्षा एवं नियंत्रक लेखा परीक्षक कौन है? CAG मतलब कौन है, अभी हाल ही में चुने गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैच फिक्सिंग को अपराध के श्रेणी में रखने वाला पहला देश कौन सा है? तो मैच फिक्सिंग को अपराध के श्रेणी में रखने वाला पहला देश श्रीलंका है। दो चार क्वेश्चन हम
खेल से संबंधित डालते हैं, जैसा कि मनिका बत्रा जी किस खेल से संबंधित है, तो मनिका बत्रा जी टेबल टेनिस से संबंधित है। जैसा कि रानी रामपाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से हैं, जो कि हरियाणा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है, ये हाई जंप यानी पैरा एथलीट से। दुती चंद्र किस खेल से संबंधित है, दुती चंद्र एथलेटिक्स से संबंधित है, धाविका है। हिमा दास किस खेल से संबंधित है, ये भी एथलेटिक्स से है। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, ये सौरभ चौधरी भी शूटिंग से संबंधित है। जसपाल राणा जी किस खेल से संबंधित है, तो जसपाल राणा जी निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2020 में किसे दिया गया है, रतन लाल को दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम विराम लेते हैं और नेक्स्ट डे आपके साथ फिर जुड़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।